हाँ भाई क्लास कैसे हैं आप लोग। देखिए अपना चैप्टर चल रहा था सेकंड, पहले अपने सिंपल इक्वेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व किए, अब अपन ने लैंग्वेज से इक्वेशन वाले क्वेश्चन जैसे बनाए हैं, अब अपन उनमें आ चुके हैं। तो उनमें क्वेश्चन को हम किस तरीके से शॉर्ट आउट करेंगे वो आज मैं आपको समझाऊंगा। अपन फर्स्ट 2.2 का फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, अब अपन कौन सा सॉल्व करेंगे, फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। देखिए फोर्थ नंबर क्या है, सम ऑफ टू नंबर इज द 95, सम क्या कहलाता है, प्लस कहलाता है, राइट। इफ वन एक्सीड द अदर नंबर बाय 50, फाइंड द नंबर्स। देखिए एक्सीड का मतलब क्या होता है, पहले बुक में एक्सीड वर्ड का जो किया लिखा हुआ था मोर देन, जैसे मैंने मोर देन लिखा आपको समझ में आ गया होगा कि जो सेकंड नंबर है उससे कितना मोर है बेटा, 50 मोर है। जैसे मैं कहूं मैं आपसे 10 मोर एज का हूं, तो अगर आप 10 इयर्स के हैं तो मैं 20 का हूं, अगर आप 20 के हैं तो मैं 30 का हूं, अगर आप 30 के हैं तो मैं 40 का हूं, 10 मोर तो मैं क्या कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से शॉर्ट आउट करेंगे, देखिए सॉल्यूशन देखेंगे इसका। तो लेट फर्स्ट नंबर, देखिए अपन क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर में लेते हैं लेट वन नंबर इज, या फर्स्ट नंबर इज, वन नंबर इज एक्स, कितना आ गया एक्स। मेरी एज क्या मान लो 30 थी, आपकी 20 थी, मैं 10 मोर था, तो आप क्या लिखोगे, 20 प्लस 10 लिखोगे। तो लेट सेकेंड नंबर इज क्या हो जाएगा, आप 20 के थे, मैं आपसे 10 मोर, तो 20 प्लस 10, फर्स्ट नंबर एक्स था तो क्या है, एक्स प्लस 15 मोर। अब क्या रहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ द टू नंबर इज, सेकंड लिखा है इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ठीक है शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, सम ऑफ द टू नंबर इज 95, मतलब इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम कितना है 95। तो देखिए एक्स और एक्स कितना हो गया 2x, 15 जो इधर प्लस का है इधर आगे किसका हो जाएगा 95 में से 15 माइनस करा कितना है 80 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, कितना आया 40। तो आपका जो फर्स्ट नंबर निकल के आया था वो आपका कितना निकल के आया बेटा 40 निकल के आया, और जो आपका सेकंड नंबर था वो आपका कितना निकल के आया 40 प्लस 50 कितना आया 65। एक बार फिर से देखिए, सम ऑफ द टू नंबर वन इज द एक्सीड, एक्सीड का मतलब बार बार मोर है, लेट वन नंबर इज एक्स, फर्स्ट नंबर क्या एक्स, वो 50 मोर था एक्स प्लस 50, इन दोनों का सम दे रखा था आपने, तो उसका मैंने सम कर दिया, सम मतलब प्लस 95। इजी सी कैलकुलेशन कर, फर्स्ट नंबर आया 14 और सेकंड नंबर आया 65। देखिए चैन का आंसर, अगर आंसर चैन करना चाहिए 40 प्लस 65 का प्लस कितना होता है 95। देखिए आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन था वो क्या था, टू नंबर आर इन द रेशियो 5:3, दे डिफर बाय 18, व्हाट आर द नंबर। मैंने आपको सिखाया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को अपन पहले शॉर्ट आउट कर चुके थे, अब इसे देखते हैं वापस कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या मैं ऐसे ले लूं, लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन नंबर, लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन नंबर एक्स, अब ये क्यों लिया गया, इसके बाद मैं एक छोटी सी लाइन ये लिखता हूं, नंबर क्या बन जाएगा, नंबर बिटवीन 5
5x and 3x। अब सर ये आपने क्या लिया समझ में लिया है? देखिए पीछे वाले वीडियो में बता चुका हूं इस बात में, फिर से बता रहा हूं। मान लीजिए मैंने आपसे कुछ बातें कही थी कि रेशियो को अपन किस में लिख सकते हैं, फोर में। फिर देखिए रेशियो आता कैसे है, मेरी एज 15 आपकी एज 30, काटोगे तो कितना आएगा 5:3। अब देखो जब यहां से यहां आए हो तो यहां से यहां जाओगे या नहीं जाओगे? जाएंगे सर। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। तो यहां मैं पता नहीं कौन से नंबर को, उस नंबर को मैंने कितना ले लिया x, तो ये नंबर जो है दोनों में कैसा नंबर है? कॉमन नंबर है। इसीलिए मैंने आपके पास यहां ये लिखा, क्या लिखा मैंने, लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन नंबर इज x। तो नंबर आपका क्या बन गया? 5x एंड 3x। नंबर आपका क्या बन गया? 5x एंड 3x। आया समझ में? चलिए डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस मतलब क्या? माइनस 18 का ग्रेटर नंबर 5x 5। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस? 18 का। सर 3x पहले क्यों नहीं लिखा बेटा? पहले ग्रेटर नंबर लिखते हैं, कितना आया 2x? 18 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? x की वैल्यू कितनी आई? 9। तो रेशियो निकाल में है 5x, 5 × 9 कितना आया? 45। 3x² 3 × 9 कितना आया? 27। एक बार फिर से करने की कोशिश करते हैं। टू नंबर्स आर इन द सेम रेशियो, 5 × 3 के डिफर, इनमें कॉमन डिफरेंस कैसे लेंगे x, तो कितना आ जाएगा? 5x एंड 3x। 5 और 3 का x मूल है, मैं आपको बता चुका हूं बहुत टाइम्स। इन दोनों के डिफरेंस करें तो -5 में से 3x 2x 18 2 इधर आ गया, वैल्यू कितनी आ गई x के प्लेस पे? वैल्यू की 45। अब चेक करते हैं आंसर राइट है या रॉन्ग है। 45 और 27 का डिफरेंस कितना आएगा? 18। 45 और 27 का रेशियो भी कितना है? 5:3। एक दिन अपन ने जो आंसर निकाला है वो अपना कैसा आ रहा है? राइट आ रहा है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया हो। अगर ये समझ में आ गया तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है आप लोगों को? अब बात करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपसे क्या कह रहा है, देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन है। थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर 8 और 51 बात के बाद वे कौन कौन से नंबर है जिनको ऐड करने पे अपने पास कितना निकल जाता है? पहले मैं बात करूंगा कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव क्या है? 1 के बाद क्या आएगा? 2 के बाद क्या आएगा? 3 के बाद क्या आएगा? 4। तो ये इस तरीके से आगे चलते हुए रहेंगे। ये वाली कौन सी फॉर्म कहलाती है? कंसेक्यूटिव। जैसे सर 1 2 3, जैसे बेटा मान लो ये नंबर 77 से स्टार्ट कर रहे थे, तो उसके बाद कंसेक्यूटिव सर 78 79 78 79 80 81 100। मान लो कि आपका 101 तो मैं कहूंगा 10, आप कहेंगे 103 तो मैं कहूंगा 104। ये कंसेक्यूटिव वाला क्वेश्चन कहलाता है। अब देखिए कि यहां कंसेक्यूटिव अपन कैसे लेते हैं। लेट 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, लेट 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर, लेट 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर बी क्या हो सकते हैं? तो देखिए ए को फर्स्ट हो सकता है एक्स, सेकेंड हो सकता है एक्स प्लस वन, हो सकता है एक्स प्लस। अब सर पहला एक्स ले लिया, दूसरा एक्स प्लस वन ले लिया, तीसरा आपने एक्स प्लस टू ले लिया, समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। सर एक बार फिर से बताता हूँ, देखिए मैंने कहा कि पहला नंबर फर्स्ट है, बेटा दूसरा नंबर क्या होगा? टू। तीसरा नंबर क्या होगा? याद है रखेगा बोल रहे क्या? मैं 1 को 1+1 लिखूं इसको, क्या 1+2 लिखूं? देखो अगर मैं इसको 1 को x मान लूं तो ये क्या x+1, ये क्या x+2 हो जाएगा। x के प्लेस पे आप 1 रखोगे तो 1 आ गया, आपने 1 रखा तो कितना आया? 2 आ गया, आपने 1 रखा तो कितना आ गया?
राइट right, चलिए छोड़िए कुछ नया कर देते हैं। मान लो मैं सारा टेन ले लेता हूं, 18 ले लेता हूं, 19 ले। अब देखिए यहां क्या है, सारा टेन यहां क्या है, सारा टेन प्लस नाइन यहां क्या है, सब कुछ प्लस टू एक्स एक्स प्लस टू एक्स प्लस एक्स के प्लस की वैल्यू जो है कुछ भी हो सकती है। टोटली डिपेंड किस पे करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आपको जो एक्स की वैल्यू है वो क्या लेनी है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसीलिए मैंने क्या ले लिया, x ले लिया, x प्लस वन ले लिया, x प्लस टू ले लिया। क्लियर है? अब देखिए सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स इनका सम क्या है, 8 का ले लिया, एक बार 8 कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन x x प्लस वन x प्लस टू कितना आ गया, x x x कितना हो गया 3x, 2 और 1 कितना हो गया 3, कितना आ गया 3x, 3 जाएगा इसका माइनस का 51 में से 3 48, 3x से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 48/3, कितना x इतना समझ में आया हम लोगों, x की वैल्यू कितनी आई 6। देखो इसको यहां सॉल्व करने का एक मेथड और था, उसमें जब 3 कॉमन ले लो कितना बचेगा x प्लस 1 इक्वल में 51, 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ गया किसमें आ जाएगा डिवाइड में, कितना आ गया 70 x प्लस 1, ये वन इधर आ जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, कितना आ गया ये वन इधर आ गया किसका आ गया माइनस का, कितना आ गया इसकी वैल्यू 60। मेथड से बहुत सारे कैलकुलेशन को निकालेंगे, आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज करते हैं। देखिए क्या आया 16 प्लस 1 कितना आया बेटा 17 और 16 प्लस 2 कितना आया 18, तो आपके पास 3 नंबर्स आपके क्या निकल गया है 16 17 18, आपके पास 3 नंबर्स क्या निकल गया है 16 17 18। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। एक बार फिर से देखें कि लैम्डा 3 कंजुगेट नंबर क्यों लिया, x x प्लस 1 x प्लस 2 क्यों लिया, मैंने लिख के बताया इनका सम कितना 50 में इनको दो मेथड से सॉल्व करा इसकी वैल्यू कितनी आई 60। अब एक बार आपसे चेक कर लेते हैं क्या इन तीनों को प्लस करो 16 को 17 को 18 को, जैसे ही आप 16 17 18 को प्लस कर रहे होंगे तो आपके पास बेटा वो कितना निकल के आएगा 51 निकल के आएगा, आपके पास कितना आएगा 51। इट मींस आपका जो आंसर निकल के आया है वो क्या है एकदम राइट है, आपको जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतना मार्क्स पूरा का पूरा मिलेगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो आपसे क्या कहता है। देखिए चलिए दैट द सम ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ ए इज 88, फाइंड द मल्टीपल्स। एकदम पहले वाला क्वेश्चन है, देखो लेट पी कंसेक्यूटिव, वही पहले जो करा था सेम इसी बार मल्टीपल ऑफ ए, मल्टीपल ऑफ ए बी क्या हुआ देखिए x x प्लस वन x प्लस, अगर आप कह रहे हैं 8 16 24 हो सकता तो बेटा क्या मैं इसको 8 मल्टीपल 1 8 मल्टीपल 2 8 मल्टीपल 3 लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हो? अब फिर मैं देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, 8 मल्टीपल 1 8 मल्टीपल 1 प्लस 1 8 मल्टीपल 1 प्लस लिख सकता हूँ क्या? अगर मैं 1 को x ले लूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 8 मल्टीपल x प्लस 1 8 मल्टीपल x प्लस 2 लिख सकता हूँ क्या? सर लिख सकते हो। फिर से 8 16 24, 8 मल्टीपल 1 8 मल्टीपल 2 8 मल्टीपल 3, 1 2 3 को मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में 1 1 प्लस 1 1 प्लस 2 लिखा था, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 1 को मैंने क्या ले लिया x, तो देखो 1 x प्लस 1 x प्लस 2 इन तीनों का क्या है मल्टीपल है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, 8 मल्टीपल 1 8 मल्टीपल 2 8 3 को आप 1 प्लस 1 1 प्लस 2 कंसेक्यूटिव पोर्शन, x x प्लस 1 x प्लस 2 इस तरीके से आप इन्हें कंसेक्यूटिव पोर्शंस में लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया कि यहां आप क्या लिखेंगे, 8x 8x प्लस 1 8x प्लस 2 इनका सम करना है, सम
सम ऑफ नंबर्स। देखिए सम क्या आएगा, सम ऑफ नंबर्स क्या आएगा, इनका सम क्या है, ए प्लस ए टाइम्स प्लस वन, ए टाइम्स प्लस वन प्लस ए टाइम्स प्लस टू इक्वल में कितना है, ट्रिपल ए। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स एक को एक्स से मल्टीपल करा, एक्स एक को वन से मल्टीपल करा, एक को एक्स से मल्टीपल करा, एक्स एक को टू से मल्टीपल करा, सिक्सटीन इक्वल टू एटी एट, एट एट सॉरी एट 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 ट्वेंटी फोर है, ये कितना आ गया 24, ये कितना आ गया 24 इतना है किसका, माइनस का, कितना 4, 6, 8, 24 इधर 24 इधर 20 का इधर चला जाएगा डिवाइड में, 24 से डिवाइड करेंगे 24 थ्री का कितना होता है 72, 144 बचा तो 69, तो कितना आ जाएगा 36 आ रहा है क्या, x की वैल्यू कितनी आ रही है 36 आ रही है। एक बार फिर से डिवाइड आज की टेबल से काम हो गया, 24 की टेबल से डिवाइड करके बता देता हूँ आपको, 24 3 4 72 6 टाइम अगर आप मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 36, तो कितना आया आपके पास 36। तो यहां पे हम कुछ करते हैं, 8 मल्टीपल 36 प्लस 1 ठीक है, फिर कितना 8 मल्टीपल 36 प्लस का ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 36 से कितना आ जाएगा 8 4 2 8, ये कितना हो गया 37 हो गया ना, 37 को 8 से मल्टीपल करेंगे भाई कितना आएगा 6 5 2 9 6, 38 को 8 से मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 4 6, और इन तीनों का प्लस करके देख लीजिए कितना आना चाहिए आपके पास 88 आना चाहिए, इन तीनों का प्लस आपके पास कितना आना चाहिए 888 आना चाहिए, तो 888 आ रहा है देखिए, इट मींस आपका क्या है ये राइट है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो, एक बार फिर से बता देता हूं, कैलकुलेशन सॉल्व कर लिया कितना आया 36, मल्टीपल था तो इनके मल्टीपल में लगा दिया 36 प्लस 1 36 प्लस 2 2 8 8 2 9 6, आंसर चेक करने के लिए तीनों का प्लस करा कितना आया 888, कितना आया 888। आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छे से समझ में आई हो, आपको कहीं भी कोई डाउट रहता है तो आप अच्छे से पूछ सकते हैं, क्लियर है। मैं आपको यहाँ एक मिनट और बताना चाहूंगा कि इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख सकते हैं, सेकंड मेथड से करें। तो देखो यहाँ तीनों में कॉमन क्या है, एक कॉमन जो होता है एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, वो एक इधर मल्टीप्लाई में एक्स एक्स कितना हो गया 3x प्लस 3 में ट्रिपल बना दिया, 3 इधर आगे किसका आ जाएगा माइनस का, कितना आएगा यहां अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 108, और जैसे ही आप 108 में 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 36, पहले भी आपका कितना आया 36। लेकिन पढ़ते रहिए, पूछते रहिए क्वेश्चन, आपके क्लास के बहुत से बच्चे हैं रहते हैं, उनके डाउट क्लियर होते रहे हैं, आप लोग भी पूछिए कहीं भी दिक्कत आती है तो क्लियर। आज अपने 7 क्वेश्चन सॉल्व करें, 4 क्वेश्चन सॉल्व करें, 7 तक पहुंच गए, उससे आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, क्लियर है। चलिए हैव अ गुड डे।